फिक्की की विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन ने सर्वे किया हिंदुस्तान की औरतों के बीच में और कहा कि हिंदुस्तान की औरतें जो घर में रहकर काम करती हैं, बच्चे पालना, बुजुर्गों का ध्यान रखना, खाना बनाना, स्कूल ले जाना, साफ सफाई करना, इनको सैलरी अगर मिले, अगर हम इनको तनख्वाह देने लगें तो हिंदुस्तान की GDP 7% से बढ़कर 12% हो जाएगी। कभी सोचा हम लोगों ने इस तरह की रिपोर्ट के बाद? सोचते हैं हम सब महिलाओं पे जाके काम करवाएंगे, हम सब हम में मैं भी आता हूं, हम सब उनको आदेश देंगे, खुद कितनी मदद करते हैं मुझे नहीं पता, पर क्या इस तरह की रिपोर्ट्स को प्राइम टाइम में जगह देने की जरूरत है कि नहीं, कि वुमेन एम्पावरमेंट का जमाना है, या सिर्फ कह देने से कि नेता ने महिला रैली में यह कहा, फला नेता ने उस महिला का अपमान कर दिया, फला नेता ने अपमान कर दिया, इससे काम नहीं चलेगा। ये टिट्स बिट्स हैं, ये अखबार के बॉक्स आइटम है छोटे से, जो रियल स्टडीज हो रही है ग्राउंड में जाके साल साल भर मेहनत की जा रही है, उन रिपोर्ट्स को जगह क्यों नहीं दी जाती है? क्यों? क्योंकि दर्शक नहीं है। मैं ये शो करता हूं, मुझे अपने एवरेज व्यूअरशिप से 70% कम व्यूअरशिप आती है। अगर मैं वही उल्टा दो नेताओं की तूतू मैं दिखा दूं महिलाओं को लेकर, उसने ये कहा उसने वो कहा, तो वो 70% प्लस हो जाएगा। ये दिक्कत अपने अंदर भी है। तो अगर मैं खराब जर्नलिज्म कर रहा हूं और मेरी आलोचना हो रही है तो मैं उसके लिए स्वीकार है मुझे, कि आपने मुझे मेरी लगाम खींची, मुझे याद दिलाया कि आपको सही काम क्या करना चाहिए।